अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा दोस्तों फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले जो खबर दोस्तों आ रही है, स्टेप टू पे फॉर ट्रैफिक ऑप्शंस। दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, कोविड पैंडेमिक दोस्तों जब से आया है तब से दोस्तों ऑनलाइन वो जो है पेमेंट है वो हर तरह का वहां पे ऑनलाइन पेमेंट ही किया जा रहा है। लोग वहां पे कैश लेना पसंद नहीं कर रहे हैं और ये सरकारी दफ्तरों में भी ज्यादा ही देखा जा रहा है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो होता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा जो भी दोस्तों आप जो फाइन वगैरह, जो गाड़ियां वगैरह की जो भी चीज की होंगी, वो सभी दोस्तों धीरे धीरे वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए दोस्तों वो ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो साथ ही जो भी आप वायलेशन यदि आप करोगे तो आपको वहां पे कैश पैसा देने की जरूरत नहीं है, सारा काम दोस्तों अब ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपसे पुलिस जो है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो पुलिस होगा वो आपसे ऑनलाइन पैसा ले लेगा, ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगली खबर साथियों आ रही है, इंडियन किम हिमसेल्फ जनवरी 1 इंसिडेंट। दोस्तों एक इंडियन ने अपने आप को दोस्तों खुद को मार लिया, वहां पे एक जनवरी को वहां पे उसके साथ कोई इंसिडेंट हुई थी, कोई घटना हुई थी। दोस्तों इस सुपर खैतान में दोस्तों विटनेस है, उन्होंने ये बताया है कि न्यूयॉर्क के दिन दोनों उन्होंने कुछ डिस्ट्रैक्शन, उन्होंने अपने आप को उन्होंने मार दिया है। तो साथियों वो क्यों मारा इसके बाद अभी दोस्तों कोई पता नहीं चल पाया है। अगली खबर साथियों जो आ रही है दोस्तों, मिसिंग चाइल्ड फाउंड इन ड्रोन। दोस्तों मैं जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन, दो तीन दिन पहले दोस्तों बताया था कि एक बच्चा वहां पे 5 दिनों से मतलब वो खोया हुआ है। तो दोस्तों 5 दिनों से बच्चा दोस्तों वो नहीं मिल रहा था, जिसके बाद वहां पे खास उसे तहकीकात की गई। उसके बाद दोस्तों फाइनली उसको आज के दिन यानी दोस्तों उसकी आज बॉडी मिली है जो कि मृत पाया गया है। दोस्तों मतलब मरा हुआ बॉडी उसको पाया गया है। दोस्तों ये अरेबियन गल्फ जो बिसाइड द कुवैत टावर है, आफ्टर ए लॉन्ग सर्च के बाद दोस्तों ये पाया गया है। तो दोस्तों फिलहाल उसकी बॉडी को ले लिया गया है। अब दोस्तों इस पर छानबीन और तेज हो गई कि उसके कौन मारकर फेंका, उसकी लाश मतलब उसको कौन उठाया था, सारी इस पर छानबीन चल रही। दोस्तों इस पर लिखा गया कमेटी बैठाई गई है जिसपे इस पर सीआईडी द्वारा इस पर जांच पड़ताल की जाएगी। फिलहाल दोस्तों बच्चे की उम्र 4 से 5 साल था। अगली खबर साथियों, इंस्पेक्टर ऑफ मार्केट ड्यूरिंग न्यू ईयर हॉलीडे। दोस्तों वहां पे नए साल को देखते हुए दोस्तों वहां पे इंस्पेक्शन लगाया गया। जहरा हेड ऑफ जहरा एंड कबाड़ एमरजेंसी टीम की तरफ से दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जमाल मुदरिस ने कहा है कि वहां पे इंस्पेक्शन किया गया, जिनमें से बहुत से लोगों से वहां वायलेशन पाई गई, बहुत से लोग मतलब इसे वायलेशन कर रहे थे, जिसके बाद सभी पे मतलब फाइन लगाया गया है, किसी किसी पे दोस्तों पेनल्टी भी लगाई गई है। तो साथियों इस पे देखते हुए वहां पे काफी ज्यादा कैंपेन चलाया जा रहा है हर तरह का। अगली खबर साथियों, डिफिकल्टी टू कंडक्ट पेपर बेस्ड एग्जाम फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कोविड-19 जब से आया, काफी दिनों के बाद वहां पे स्कूल वगैरह जो हायर एजुकेशन के हैं उन्होंने सभी को खोला गया। तो दोस्तों मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन डॉक्टर जो अली अल मदूब साहब है, इन्होंने कहा है कि इस सेमेस्टर में पेपर में एग्जाम लेना काफी डिफिकल्टी होगा। तो दोस्तों हो सकता है इस बार ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम दोस्तों जैसे पहले होता था वैसा इस बार सेमेस्टर में नहीं होगा, सिंपल तरीके से दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम इस बार लिया जाएगा, पेपर में कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ऐसा वहां के जो हेड है वो उन्होंने कहा है। अगली खबर साथियों आ रही, इजिप्शियन मर्डर कुवैती डिस्प्यूट ओवर एकामा रेनुअल। दोस्तों एक मिस्री नागरिक ने वहां पे एक कुवैती का मर्डर कर दिया है। मर्डर करने का रीजन क्या था दोस्तों, दोनों में एकामा को लेकर कोई तामझाम हुई थी, जिसके बाद वो मिस्री नागरिक ने कुवैती का मर्डर कर दिया। फिलहाल दोस्तों उसे गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करने के बाद उसे थाना ले जाया गया, उससे पूछताछ चल रही है। दोस्तों ये घटना घटी है 3 बजे की घटना है, बुधवार के दिन की ये घटना है। तो ये कुछ अपडेट थी साथियों जो कुवैत से आ रही थी मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दो, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को कुवैत की जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।